अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ इमरान, रिवरॉक फिशिंग टैकल्स कुरुंदवाड़। तो हर बार की तरह मेरे पास जो भी आइटम नया कुछ आया है वो अभी दिखा रहा हूँ। तो आज मेरे पास एक रील स्किन के एक रील आए हैं, मतलब कम बजट में बिकने के लिए बहुत अच्छे हैं रील, और पहले से भी अच्छी क्वालिटी की है और रेट भी बहुत कम दिया है उन्होंने इस बार। तो देखो, मैंने इसके लास्ट टाइम एमओसी ब्रांड में आया था ये, मगर उससे अच्छा क्वालिटी आया है। कितना ज़बरदस्त क्वालिटी है ये, 4000 में है, 4000 एकदम देखने के लिए भी खूबसूरत बनाया है और क्वालिटी भी अच्छा बनाया है। वुड हैंडल है ये, देखिए ऐसा क्वालिटी है, और इसका रेट भी बहुत कम है, मतलब बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है और मरल के लिए बहुत अच्छा है। इसका रेट जाएगा देखो तकरीबन मेरे हिसाब से 850 रुपये रेट जाता है, 850 रुपये 4000 का, ठीक है। क्वालिटी मगर ज़बरदस्त अच्छा है। आप बेचिए बिगिनर के लिए, जो नए शिकारी हैं, जो ज़्यादा बजट के रील्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, या लोग ट्रायल के लिए ले सकते हैं, तो ये वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास 5000 भी है और 6000 भी है, तो अभी 5000 में नहीं दिखाता, वो स्टॉक में है, अभी 6000 भी है। देखिए ये 6000, ये देखिए सेम मॉडल, खाली साइज़ बड़ा, स्पूल बड़ा, 800। इसका पूरा लाइन कैपेसिटी ज़्यादा आएगा और इसका ड्रैग तकरीबन 4 kg के आसपास रहेगा, कुछ मेंशन नहीं किया, मगर क्वालिटी अच्छा बनाया पहले से भी और रेट भी कम रखा है। इसका रेट जाएगा 1100 रुपये रेट जाएगा 6000 का, और 5000 का रेट है 1000 रुपये के आसपास जाएगा, ठीक है। ये रील स्किन की रील है, ओके। तो मेरे पास अभी ये डायवा का एक रील आया हुआ है, RX LT, ये बहुत दिन आया नहीं था मेरे पास, अभी मिला एक पार्टी से मेरे को, तो मैंने वो झट से उठा लिया डायवा RX LT। इसकी जगह मार्केट में मैं MGS LT करके वो भी आया था, वो चल रहा था, मगर अभी RX LT के भी थोड़े चाहते बहुत हैं, मतलब तो कस्टमर ये RX LT ही डिमांड कर रहा था, तो वो भी मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मिला एक जगह तो मंगवा लिया RX LT। ये डायवा का बहुत फेमस रील है और स्नेकर के लिए बहुत पावरफुल और यूजेबल रील है, इनके बहुत लाइट वेट है रील, और उसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, 2450 रुपये रेट है, 2450 रुपीज़, और इसकी ड्रैग कैपेसिटी बोलिए तो आप इनकेन नहीं करेंगे, 12 kg का ड्रैग है इसका। इसका स्पेसिफिकेशन देख लो पूरा इस डिस्क्रिप्शन, डायवा RX LT 5000, ओके। ये देख लो, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं अपनी कैटलॉग में भी, ये आपको 1250 रुपये गिरेगा, कितना लाइट वेट है और स्मूथ है, वेट भी इसका ज़्यादा नहीं है, वेट भी कितना दिया है देखो, 315 ग्राम डायवा RX LT। इसकी जगह मेरे पास MGS LT करके है, उसका भी आपको दिखाता हूँ मेरे पास अभी इधर स्टॉक में, हाँ ये आएगा, ये भी सेम ही है, डायवा RX LT और ये MGS LT, दोनों का ही फ्यूचर सेम है, वेट सेम है, ड्रैग कैपेसिटी सेम है, लाइन कैपेसिटी सेम है, रेट भी सेम है, तो दोनों भी एक जैसे ही है, खाली कलर में चेंज किया है थोड़ा, इधर 19-20 किया है, मगर क्वालिटी बहुत चल रहा है, अच्छा मॉडल है दोनों डायवा RX LT। तो मेरे पास अभी और एक रील आया है टीका का, जो मार्केट में कहीं नहीं दिखाई देता, मगर मेरे को एक पार्टी से मिला, यह हमारे इधर कार फिशिंग के लिए बहुत बड़े बड़े शिकार के लिए, जिसको लाइन कैपेसिटी ज़्यादा लगता है, मतलब 300 मीटर के ऊपर लाइन की लाइन बैठने वाला रील चार्ज लगता है ना, तो इसको मांगते हैं, क्योंकि हमारे इधर बहुत बड़े बड़े शिकार, मतलब 20-25-30 किलो के शिकार बहुत हो रहे हैं, तो मछली को खिलाने के लिए बड़ी लाइन की ज़रूरत होती है ना। तो मैंने 8000 के 9000 के 7000 के रील बहुत सेल किए, तो अभी मैंने ये टीका के इसमें मंगाया है, देखो कितना ज़बरदस्त है टीका, इसका नाम देखिए क्या होगा, टीका कैम्ब्राई LZ 5000, ये देखिए इसका स्पेसिफिकेशन, आप स्क्रीनशॉट मार के चेक कर सकते हैं या तो मेरे कैटलॉग में देख सकते हैं, ठीक है। इसकी लाइन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और 7 बॉल बेयरिंग है और बहुत ज़बरदस्त रील है, आप बड़े शिकार के लिए बहुत आराम से लेते हैं, और 300 मीटर लाइन बैठे जा रहे हैं, देखो कितना बड़ा स्पूल है। इसका ड्रैग भी दिया है कि देखता हूँ एक मिनट, ड्रैग इस पर शायद कुछ डिटेल नहीं दिया, तो मोबाइल में चेक करके मैं कैटलॉग में डाल दूँगा ड्रैग कैपेसिटी, और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, 400 ग्राम के आसपास लगभग वेट है, क्योंकि ज़रा साइज़ बड़ा है तो वेट तो आएगा ही। टीका कंपनी की अभी रील मार्केट में बहुत चल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी में, रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो टीका कैम्बेराओ LZ 5000। तो बाद में मेरे पास अभी
ये लाइन आया है देखो, बहुत दिन बाद लाइन आया है मेरे पास सॉल्ट फिश का। बीच में एक मेरे पास महीना भर स्टॉक नहीं था, महीना तो मैंने तो आज आ गया है। ये 150 मीटर में है मेरे पास सॉल्ट फिश 150 मीटर में लाइन है। इसमें मल्टी कलर अवेलेबल है और मेरे पास खाली 28 mm और 30 mm मिलेगा 150 मीटर का। इसका रेट आएगा 450 रुपया सॉल्ट फिश। और भी लाइन आ रहे हैं मेरे पास, बाकी YGR भी आ रहा है अभी, उसका नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। वो YGR भी बहुत चल रहा है अभी सॉल्ट फिश टाइप में। और एक है, इसका नाम है बिकू कुछ तो नाम है, क्या मेरे को तो नहीं। एटेक्स में आता है ये, 100 मीटर में लाइन है एटेक्स, ये 100 मीटर में, वो 150 मीटर में था, ये 100 मीटर में। इसका रेट है 350। ये भी मल्टी कलर में ही है, अभी कौन से ब्रांड ऐसा मल्टी कलर में आता है। इसका रेट है 350। शॉर्ट फिट का रेट है 150 मीटर का 450, ठीक है। और फिशर किंग के टैकल बॉक्स आए मेरे पास, ये देखिए फिशर किंग्स, ये टू साइड के ओपन होते हैं। ये साइड को पूरा फ्रॉग आप रख सकते हैं ऐसे, और ये साइड को आप कुछ अपना क्लिप सिविल रिंग वगैरह छोटे हुक वगैरह कुछ छोटा छोटा आइटम रख सकते हैं, ठीक है। ये साइज इतना छोटा आ जाएगा अपना कंपास बॉक्स जैसा। इसका रेट आएगा देखो 220 रुपये रेट आएगा इसका, ठीक है। तो मेरे पास एक तीन रॉड आए हुए हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास भी बहुत दिन से आए, ये मेरे पास है देखो डाइवा सीप फायर। ये लाइट वेट, बहुत लाइट वेट रॉड है डाइवा का। ये मैंने भी पहली बार ही मंगाया, क्योंकि इससे पहले मैंने ये नहीं लाया, क्योंकि इसका ज़्यादा मेरे को रिव्यू नहीं था, तो आज मैंने मंगवा लिया है डाइवा सीप फायर। लाइट वेट है इसका, कास्टिंग वेट बताता हूँ आपको मैं। इसका कास्टिंग वेट है देखो, कास्टिंग वेट 28 ग्राम है, लास्ट 7 to 28 ग्राम है। और इसका रेट आएगा 1650। ये ओनली 8 फीट में अवेलेबल है मेरे पास, 8 फीट में अवेलेबल है डाइवा सीप फायर 8 फीट में। 1650 रुपये इसका MRP है। तो मेरे पास भी है डाइवा पावर टिप, ये भी आया रॉड अपने मेरे पास, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डाइवा सफारी डाइवा डीवे डाइवा कैटफिश का मैं वीडियो डाला था, वो भी माल है स्टॉक मेरे पास। तो ये डाइवा पावर टिप, ये थोड़ा वेट में आता है मगर बहुत मजबूत रॉड आता है डाइवा का पावर टिप। इसमें मेरे पास 7 फीट और 8 फीट अवेलेबल है, ठीक है। डाइवा जुपिटर सफारी पावर टिप करके आता है। इसका कास्टिंग वेट देखिए 20 to 60 ग्राम है, और इसका रेट आएगा 7 फीट का आएगा रेट देखो 1750 रुपये 7 फीट का, और 8 फीट का रेट आएगा 1850, 8 फीट का रेट 1850 रुपीज़ डाइवा पावर टिप। तो एक मेरे पास और एक कम रेंज वाला हॉलो रॉड आया, मतलब पैंथर करके मार्केट में है रॉड, कम बजट में है ये, मतलब बिगिनर के लिए अच्छा है, लाइट वेट और सस्ता भी अच्छा भी है। पैंथर करके रॉड है, पैंथर स्पिन लाइट वेट है ये, अभी अपना बिगिनर बहुत चल रहा है अच्छा, मतलब लाइट कम रेंज के लिए, जो नया शिकारी है जो कम रेंज में अपना स्टार्टअप के लिए कम रेट का रील कम रेट का रॉड यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कम बजट के लिए सेटअप हो जाता है। और अच्छा भी है, लाइट वेट कास्टिंग के लिए भी चलेगा। इसका रेट देखिए मेरे पास 7 फीट और 8 फीट दोनों भी अवेलेबल है, 7 फीट भी और 8 फीट भी। और इसका रेट बताता हूँ आपको मैं, 7 फीट का आएगा रेट इसका 950, 7 फीट का आएगा रेट 950, और 8 फीट का रेट आएगा 1000 रुपया, 8 फीट का रेट 1000 रुपया और 7 फीट का रेट 950, ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अपना तो आपने आज में अभी मेरे पे और भी थोड़ा आइटम आ रहा है नया, वो भी अभी 2-3 दिन में वीडियो डालूंगा। तो अपने मेरे लिए वीडियो को मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो। जो मेरे नए नए मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक्स फॉर मेरे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके थैंक्स।